तो आज की हमारी मूवी है वो है स्कल्पचर, जो कि एक इंडी हॉरर मूवी है जो काफ़ी कम बजट में बनी हुई है, लेकिन मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आर्ट गैलरी में एक लेडी अपने और दूसरे आर्टिस्टों के आर्ट को सबके सामने दिखा रही है, और यहाँ कई तरह के स्कल्पचर और पेंटिंग की ड्राइंग थी, और काफ़ी सारे अमीर लोग यहाँ पर पेंटिंग्स की प्रदर्शनी को देखने और ख़रीदने के लिए आए हुए थे। और फिर ये लेडी एक स्कल्पचर को सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए उस पर से जैसे ही कर्टन हटाती है, जिस स्कल्पचर का नाम था द परफेक्ट मैन, लेकिन जैसे ही कर्टन उसके ऊपर से हटता है सभी उससे देखकर घबरा जाते हैं, और इसी के साथ ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और हम 15 साल पुराने पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर रोज स्टील नाम की एक अमीर लेडी अपने रूम में थी। रोज़ स्टील एक स्केच आर्टिस्ट थी और अपने रूम में एक मॉडल की न्यूड पेंटिंग बना रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर रोज़ का पति फ्रैंक अपनी कार से पहुँच चुका था। फ्रैंक एक बॉडी बिल्डर था और एक जिम का ओनर भी था, और उसे रोज़ का न्यूड मॉडल्स की पेंटिंग बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने रूम में जैसे ही एंटर होता है तो देखता है कि रोज़ एक मर्द के साथ में है जिसने कपड़े नहीं पहने हैं। फ्रैंक को ये लगता है कि दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे हैं, लेकिन रोज़ तो बस उसकी ड्राइंग बना रही थी। फ्रैंक रोज़ की एक नहीं सुनता और वो रोज़ और उसके मॉडल दोनों को वहीं पर जान से मार डालता है, और ये सब उनकी बेटी एशली चोरी छुपे देख रही थी। अगेन ये सीन कट होकर प्रेजेंट डे यानी कि 15 साल बाद आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैंक की किसी कारण से मौत हो गई है, और एशली फ्रैंक के फ्यूनरल में पहुंचकर कई सालों के बाद अपने भाई एडम से मिलती है, और एडम भी काफ़ी समय के बाद में अपनी बहन को देखकर खुश हो जाता है, और दोनों फ्यूनरल से निकलने के बाद में एक क्लब में जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि एशली शहर से बाहर रहती थी और बहुत समय के बाद में यहाँ पर आई थी। फिर एशली जब अपने मॉम और डैड के घर आती है तो थोड़ा इमोशनल होती है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपने बचपन की मेमोरीज की झलक मिल रही थी। एशली अपनी माँ की तरह एक आर्टिस्ट थी और एडम को उसके पिता बॉडी बिल्डर बनाना चाहते थे। और फिर तभी एशली को उसकी मॉम की फ्रेंड का फ़ोन आता है, जो कि उसकी मॉम की आर्ट गैलरी लगाया करती थी, और फिर वो एशली को ऑफर करती है कि क्यों ना वो भी उसकी मॉम की ही तरह उसके आर्ट को गैलरी में डिस्प्ले करें, जिसे एशली भी खुश होकर एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि एशली भी ये चाहती थी कि वो भी अपनी मॉम की तरह एक आर्टिस्ट बने। एशली के पिता फ्रैंक स्टील की एक जिम भी थी जिसे अब एडम संभालता था, और अगले दिन वहाँ पर एशली जाती है अपने पिता की जिम को देखने के लिए, जहाँ पर एशली की मुलाकात डेविड से होती है जो कि जिम में इंस्ट्रक्टर था, और फिर वो सैम से भी मिलती है जो कि एडम का फ्रेंड था। जिम का पूरा स्टाफ एशली को वेलकम करके उसे अच्छे से ट्रीट करता है, जिसके बाद में एशली एडम की कार लेकर शॉपिंग करने निकल जाती है, क्योंकि एशली को अपने आर्ट के लिए कुछ सामान खरीदना था। अब एशली अपने घर पर थी, जहाँ पर वो अपने आर्ट के लिए एक स्कल्पचर बनाने वाली थी जिसकी वो पहले ड्राइंग बना रही थी, और एशली की फ्रेंड एमिली उसे वहाँ पर उसे स्कल्पचर के लिए नए नए आइडियाज़ दे रही थी कि उसे एक मसल मैन का स्कल्पचर बनाना चाहिए जो कि बिल्कुल ही असली जैसा दिखाई दे, और उसका नाम रखा जाए द परफेक्ट मैन, और ये आइडिया एशली को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर एशली एमिली को ये बताती है कि वो एडम के जिम इंस्ट्रक्टर को डेट कर रही है, और ये बात बस उन तीनों के बीच में ही है। अब रात के समय एशली खुद को आईने में देख रही थी, और उसे याद आता है कि बचपन में उसके पिता उसके साथ कैसा बर्ताव करते थे, और वो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जिसके बाद में वो डेविड और एमिली के साथ क्लब में जाती है। और फिर क्लब से वापस लौटते समय एशली सभी को अपने घर में इनवाइट करती है, जहाँ पर एडम नहीं था, और फिर एशली के घर को खाली देखने पर एमिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ में दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ पर दोनों ड्रग्स लेते हैं और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ पर अपने रूम में एशली डेविड को अपना आर्ट वर्क बता रही थी, और वो उसे अपना शर्ट उतारने को कहती है ताकि वो उसका एक रफ स्केच बना सके। एशली डेविड का रफ स्केच बना ही रही थी कि तभी वहाँ पर एडम पहुँच जाता है, जो कि अपने जिम इंस्ट्रक्टर को एशली के साथ में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और फिर साथ ही में दूसरे रूम में से एमिली और उसका बॉयफ्रेंड निकलता है जो खुद भी जिम में काम करता था। एडम तुरंत दोनों को नौकरी से निकाल कर वहाँ से जाने को कहता है, और एशली पर गुस्सा होता है, लेकिन एशली उससे कहती है कि वो जैसे तैसे अपने दुख से उभर कर खुश रहना चाहती थी, लेकिन एडम उसे बस गलत ही समझ रहा था। एशली फ्रैंक की सौतेली बेटी थी, यानी कि फ्रैंक और एडम उसके स्टेप डैड और स्टेप ब्रदर थे। एशली को याद आता है कि उसके स्टेप डैड कैसे उसकी मॉम को मारा करते थे, और फिर फ्रैंक एशली के रूम में आकर उसका रेप करता था, और एडम बस उसे दूर से खड़ा हुआ सब कुछ देखा करता था। फिर अगले दिन एशली एमिली से उसके भाई के बदले में माफ़ी मांगने के लिए आती है,
लेकिन एमिली अपने बॉयफ्रेंड की नौकरी जाने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और वो एशली को बहुत ज़्यादा अनाप शनाप भी बोलती है, जिससे कि गुस्से में आकर एशली एमिली को एक जोर का थप्पड़ मारती है और फिर दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई भी होती है। लड़ाई के दौरान एशली एमिली को चाकू मारकर उसे घायल करती है और फिर एशली एमिली के प्राइवेट पार्ट पर भी कई सारे चाकू के हमला करती है, जिससे कि वो वहीं पर मर जाती है। फिर नेक्स्ट डे एशली एडम के जिम जाती है, जहां पर वो न्यूज़ में अपनी फ्रेंड एमिली के मरने की न्यूज़ देखकर झूठा नाटक करती है, जिससे उससे कुछ पता ही न हो। और फिर शाम को एशली का बॉयफ्रेंड डेविड उसे अपनी फ्रेंड के मरने पर दिलासा देने पूछता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने लगे थे। फिर जैसे ही डेविड एशली के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचता है तो एशली पैनिक हो जाती है और वो डेविड के पेट में कांच के टुकड़े से कई बार करके उसे भी मार डालती है। डेविड को मारने के बाद में एशली एक बड़े से चाकू से डेविड की बॉडी की स्किन काटकर वहां से उसका दिल निकालकर अपने सीने से लगा रही थी। अब अगली रात को एशली एमिली के ही बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाती है उसका दुख बांटने के लिए, जहाँ पर एशली पहले उसे अपना आर्टवर्क दिखाती है और फिर एशली को याद आता है कि उसे अपनी आर्ट गैलरी के लिए एक स्कल्पचर बनाना है जो कि बहुत यूनिक हो। एमिली का बॉयफ्रेंड वहाँ पर एक बैग में डेविड का निकाला हुआ दिल देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इतने में एशली उसे पीछे से मारकर घायल कर देती है और फिर वो उसका गला काटकर उसकी बॉडी को छूती है और चाकू से उसके पैर को काटकर अपने स्कल्पचर के लिए निकाल लेती है। अब एशली रोज़ एडम के जिम जाया करती थी, जहाँ पर एडम जब गायब होता था तो वो वहाँ पर आने वाले बॉडी बिल्डर को सीड्यूस करके अपने घर बुलाती है और जब वो आदमी घर आता है तो एशली पहले उसे सीड्यूस करती है और उसके साथ में इंटीमेट होने का नाटक करके मौका देखकर उसे वहीं पर मार देती है। और एशली इस आदमी का धड़ यूज़ करने वाली थी अपने स्कल्पचर के लिए। अब नेक्स्ट डे एशली फिर जिम पहुंचती है, जहां पर एडम उसे उस रात के लिए माफ़ी मांगता है और एशली भी उसे माफ़ कर देती है, जिसके बाद में एडम कुछ काम के लिए वहां से चला जाता है और एडम के जाते ही एशली अपने काम में लग जाती है। वो फिर किसी दूसरे लड़के को घर बुलाकर उसे पहले सेड्यूस करती है और फिर उसकी बॉडी का कोई पार्ट निकाल देती है, जैसे किसी की थाई तो किसी के हिप्स। फिर एक दिन एशली सैम नाम के एक लड़के को अपने घर बुलाती है। एशली सैम को अपने घर में अपना आर्टवर्क दिखाती है और फिर उसके साथ में इंटीमेट होती है, जिसके बाद में वो उसकी आँखों को एक ब्रश से फोड़ देती है और फिर वो पहले उसके दोनों हाथ काटकर उसे निकाल लेती है और फिर एशली सैम के प्राइवेट पार्ट को भी काटकर वहाँ से निकाल लेती है। अब फिर एडम अपने जिम पहुँचता है और देखता है कि उसके जिम में कोई नहीं है और वहाँ का गेट लगा हुआ है, जिसके बाद में वो अपने घर आता है और उसे पता लगता है कि एशली ने अपने रूम का दरवाज़ा लगाया हुआ है और एशली अपने रूम के अंदर पागलों जैसी हंसे जा रही है, जिसके बाद में एडम उस दरवाजे को तोड़कर जैसे ही अंदर जाता है तो सामने देखकर घबरा जाता है, क्योंकि सामने एशली का स्कल्पचर था और एशली अजीब बिहेव कर रही थी। एशली अपने भाई एडम को बताती है कि उसने इस स्कल्पचर को उसके जिम वाले लोगों के पार्ट से बनाया है, जिसे देखने के बाद में एडम बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो एशली को उसके बेड पर धक्का दे देता है। और फिर एशली को ये भी याद आता है कि बचपन में जब उसके सौतेले पिता उसका रेप करते थे तो एडम उसे नहीं बचाता था, बल्कि उसके सौतेले पिता के जाने के बाद में वो खुद भी आकर एशली का रेप करता था, जिसके बाद में फिर एशली एडम को भी चाकू से मारकर उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देती है। वो एडम के कटे हुए सिर को किस करती है और फिर उसे अपने ह्यूमन स्कल्पचर के ऊपर लगा देती है, जिसके बाद में उसका ह्यूमन स्कल्पचर कंप्लीट हो गया था। अब मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें एशली का स्कल्पचर गैलरी में रखा गया था और जैसे ही वो लेडी स्कल्पचर से पर्दा उठाती है तो सब लोग उसे देखकर उल्टियां करने लगे थे और वो लेडी उसे देखकर तो बेहोशी हो गई थी, क्योंकि एशली का स्कल्पचर पूरा सड़ गया था, उसमें कीड़े लग गए थे और उसकी बॉडी के पार्ट्स यहाँ वहाँ ज़मीन पर गिर रहे थे। सभी लोग काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन एशली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस उसे देखकर हंसते जा रही थी। एशली बस अपने स्कल्पचर को देखकर खुश हो रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, स्कल्पचर मूवी एक बहुत ही कम बजट की मूवी है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर एक एशली नाम की लड़की को बताया गया है जो अपनी माँ की तरह ही आर्टिस्ट थी, लेकिन बचपन में उसके सौतेले पिता और भाई उससे प्रताड़ित करते थे। उसकी माँ के मरने के बाद में वो घर छोड़कर चली गई और सब कुछ भूल गई, लेकिन जब वो वापस आई तो उसे अपना बचपन का सब याद आ गया और इसी बीच उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि वो साइको बन गई और अपने स्कल्पचर को बनाने के लिए जिंदा लोगों को मारने लगी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं।